हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ इन मुंबई। अब पता नहीं कौन सा वाला दिन है ये इन मुंबई, बट आज हम जाने वाले हैं एक और मार्केट, कवर करने वाले हैं मुंबई की एक और फेमस मार्केट, दैट इज कोलाबा मार्केट। बहुत फेमस है, आपने कोलाबा का तो नाम भी सुना होगा, वैसे भी इन जनरल बहुत फेमस है कोलाबा। तो हम लोग वहां जाएंगे एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द मार्केट, कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या क्या खरीद सकते हो, क्या नहीं खरीद सकते हो। तो लेट्स गो। तो दिन की शुरुआत करी लोकल में चढ़ के, बिकॉज लोकल से जाना ना बहुत सस्ता पड़ता है। आपने जाना है चर्च गेट रेलवे स्टेशन, ये वेस्टर्न लाइन पे पड़ता है और एंड का स्टेशन है, तो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है बट सस्ती होने वाली है। हम लोग वीकेंड के दिन गए थे इसलिए लोकल तो बहुत ही ज़्यादा खाली मिली। मैंने इतने दिन में इतनी खाली लोकल तो बिल्कुल नहीं देखी कि सारी सीटें खाली थी। बड़ी खुश थी मैं कि थैंक गॉड इस दिन आई हूँ। तो चर्च गेट पर उतरने के बाद आपको बाहर टैक्सीज वगैरह, शेयरिंग टैक्सीज वगैरह भी बहुत आराम से मिल जाएंगी, और वैसे भी टैक्सीज वगैरह, ऑटो वगैरह यहाँ सब मीटर से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आपने उन्हें बोलना है कि कोलाबा मार्केट जाना है एंड यू विल बी देयर इन नो टाइम। मार्केट की शुरुआत होती है ये भारत पेट्रोल पंप, मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ से मार्केट की स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ से आप अपनी मार्केट घूमना स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट इज़ दो नैरो, बहुत ही नैरो मार्केट है बट बहुत अच्छी मार्केट है। मैं हिल रोड और लिंकिंग रोड मार्केट भी गई थी बट उससे 100 टाइम्स बेटर मुझे ये मार्केट लगी। वैरायटी बहुत अच्छी है, कलेक्शन इनका बहुत अच्छा है, आपको जो भी चाहिए आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, चाहे ग्लासेस हों, कपड़े हों, कुर्ती, इंडियन वेस्टर्न दोनों का कॉम्बिनेशन रेशो बहुत अच्छा है मार्केट में। आपको शर्ट्स, मुझे वहाँ शर्ट्स के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए। और ऐसा नहीं है कि खाली पटरी मार्केट है, पटरी मार्केट सिर्फ दुकानों के बाहर लगी हुई है बट अच्छे हाई एंड ब्रांड्स भी हैं वहाँ पे काफ़ी, अगर आपको बहुत अच्छी वाली शॉपिंग करनी है तो। ऐसी वाली शॉपिंग करनी है तो आपके लिए कलेक्शन ही कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। आपको सस्ते से सस्ती चीज़ भी मिल जाएगी वहाँ पे। बहुत सारी पटरियाँ ऐसी थी जिन्होंने फिक्स्ड प्राइजेस लगा रखे थे तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे मुझे बैग्स का कलेक्शन भी देखने मिला, स्लिपर्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन देखने मिला। जो फॉर्मल ट्राउजर्स होते हैं वो हम लोग बहुत महंगी महंगी वेबसाइट्स पे ढूंढते रहते हैं बट यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के बहुत सस्ते में मिल रहे थे। एक पजामा था अर्बैनिक का जो मैंने सेव करके रख रखा था बट मैंने इस मार्केट में देखा और मुझे समझ में आई कि ओ यार, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे भी मिल सकता है। जो सबसे ज़्यादा रेशो में मुझे देखने मिला वो थी जंक ज्वेलरी। भाई साहब, हर एक पटरी छोड़ के दूसरी पटरी ये नेकलेसेस, रिंग्स, ईयररिंग्स इन सब की थी और सबका कलेक्शन अलग अलग। मतलब अगर आपने ऐसी कोई ज्वेलरी लेनी है ना तो आप इस मार्केट पे भरोसा करके बहुत आराम से जा सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक पटरी पे नहीं मिलेगी तो दूसरी पटरी पे ज़रूर मिल जाएगा। ये सेट थे छोटे छोटे और विद ईयरिंग्स थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। यहाँ पे हल्की बहुत बारगेनिंग भी चल जाती है जो कि मैंने देखा, बहुत ओवर द टॉप बारगेनिंग अब कहीं पर भी नहीं चलती है बट यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत चलती हुई देखी। एंटीक्स की बहुत सारी दुकानें मैंने ऐसे पटरी पर लगी देखी, बहुत सुंदर सुंदर ये मेटल के पर्सेस मुझे वहाँ मिले, रेट भी सही था। आई गेस ये छोटा वाला 250 या 300 समथिंग कुछ था। आपको गोवा टाइप बीच वाइब्स कपड़े आपको बहुत मिल जाएंगे, स्लिपर्स भी मुझे गोवा वाइब वाली बहुत मिली वहाँ पर दिखाई दी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लियोपोल कैफ़े भी है, अगर आपको याद हो कसाब के टाइम पे फायरिंग हुई थी यहाँ पे और इस कैफ़े ने इन फायरिंग साइंस को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, काफ्तान वगैरह बहुत अच्छे थे, लेदर बैग्स की शॉप्स भी बहुत थी, बैग्स वगैरह का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। और मार्केट ऑल इन ऑल मुझे बहुत पसंद आई। अब आप देख लो, इन्जॉय कर लो एंड मैं मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के बाद।
एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने पहली बार एक मार्केट में देखी, ये लोग यहीं बैठकर कीचेन्स और इनको अपने आप काव करके बनाते हैं। तो आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए आप वो बोलो, वो बनाकर देंगे। मैंने ये पहली बार किसी मार्केट में देखा और मुझे बहुत पसंद आया। इनका प्राइस वगैरह भी मैंने पूछा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, बहुत अच्छा प्राइस था। तो अगर आपको लव्ड वंस वगैरह से किसी से कुछ बनवाना है तो ऑनलाइन लेने की जगह इन लोग के पास आकर बनवा सकते हो, अपनी आँखों के सामने बनते हुए देख सकते हो। और बाकी तो है ही, आप देख लो, कंटिन्यू करो। मैं ना जल्दी से दिखा देती हूँ जो मेरी आज की इकलौती परचेज थी। मतलब मैंने ना आज खुद को बहुत रोका है। दो मुझे कोलाबा मार्केट बहुत पसंद आई, बट मैंने खुद को बहुत रोका है कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी। बट दिस वॉज द थिंग दैट आई बॉट। इट इज अ 4 pair, मतलब रिंग का, चार रिंग्स का सेट है और बहुत अच्छा सेट है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने ये ले लिया मम्मी के लिए भी और मेरे लिए भी, हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो ये ले लिया, दिस वॉज द ओनली परचेज। बट मुझे हिल रोड और लिंकिंग रोड से ज़्यादा अच्छी लगी कोलाबा मार्केट, मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, देखने में भी सुंदर लग रही थी। मेरा काजल वाजल सब बहुत अच्छे से फैल गया, मैं पूरा दिन ट्रैवल करके आई हूँ। बट और एक और नई चीज़ मैंने देखी, दैट वो सामने पहली बार मैंने देखा कि वो कट करके किचन वगैरह बना रहे हैं वहाँ पे सामने सामने बैठ के, मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। तो ऑल इन ऑल कोलाबा मार्केट इज़ रियली नाइस एंड यू शुड गो, यू मस्ट विजिट इट। बाय बाय।